नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर भड़के कांग्रेसी यूपी के मंत्री रघुराज सिंह। केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर श्री कोतवाली थाने में एफआईआर करने की बात पर अड़े कांग्रेसी, जमकर नारेबाजी करते हुए श्री कोतवाली के गेट पर बैठे कांग्रेसी की जमकर नारेबाजी। एफआईआर करवाने पर कोतवाली पीआई दीपक यादव से हुई कांग्रेसियों की जमकर बहस। श्री कोतवाली में ही गेट पर बैठे कांग्रेसी, कहा एफआईआर होने पर ही जाएंगे। एडिशनल एसपी द्वारा मोबाइल फोन पर जांच के बाद एफआईआर करने का आश्वासन देने के बाद माने कांग्रेसी। कांग्रेसियों ने किया जमकर हंगामा और नारेबाजी। एक लिखित में आवेदन दिया गया है कि जो राहुल गांधी जी के मृत्यु में कुछ शब्द हैं संबंध में आतंकवादी का करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है, जो आवेदन पत्र नहीं दिया गया है और उस पर जांच करके जो संबंधित जगह है वहाँ पर। सर, कांग्रेस से कई देर तक अड़े थे कि एफआईआर दर्ज की जाए, तो क्या फिर क्या किया उसके बाद? क्योंकि ये घटनास्थल महाराष्ट्र का है और एमपी मध्य प्रदेश से इसका कोई भी राइट इन्वॉल्व नहीं है और वहाँ पर पूर्व में भी एफआईआर हो चुकी है, इसीलिए उनको समझाया गया कि इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, उनके आवेदन पत्र की जाँच महाराष्ट्र ने की है। नहीं, उनके द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया गया है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, केवल एक विरोध प्रदर्शन था सांकेतिक, बाकी उनके द्वारा कोई विशेष तौर पर कोई विरोध नहीं किया गया है। ये एफआईआर इसमें हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो चुकी है एफआईआर, अतः इसमें जो उनके उनके द्वारा जो अपनी मांग रखी गई है कमिंग लेटर बनाकर संबंधित जिले को भेज दिया। इसलिए आप यहाँ आए हैं और क्या आप लोगों की मांग है? कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दी। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, सभी थानों पर सारे कांग्रेसी पहुंच रहे हैं। हमारे नेता इस देश की पवित्र स्थल संसद में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाने वाले जननायक राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बन रहा है, वो लोग बातें करते हैं आतंकवाद की, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, जिसके पिता को आतंकवाद ने लीन लिया, उनकी दादी को सरेआम हत्या की गई आतंकियों ने, उस परिवार के सदस्य को कहा जा रहा है कि तुम आतंकवादी हो। एक बिट्टू जो पंजाब से आते हैं केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? एक वो व्यक्ति, एक विधायक शिंदे साहब के शिवसेना गुट का, कहता 11 लाख दूंगा। अरे विधायक सुन ले, 1 करोड़ रुपए दूंगा जिस दिन तेरी कोई जबान काट के मेरे पास ला देगा। तेरे कम हो तो मनोज राजानी कहते हैं। इस तरह की गीत और भक्की से कौन डरता है? इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है उस जन नायक के खिलाफ, ये क्या लोकतंत्र में ये सही दिशा का ज्ञान है? मोदी जी, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि पवित्र मंदिर उस लोकतंत्र के संसद में तुम्हारे नेता प्रतिपक्ष को ऐसा तुम्हारी पार्टी के लोग बोल रहे हैं और तुम मौन हो, तुम्हारा संरक्षण प्राप्त है उसको। आज हम सब कांग्रेस जन यहाँ आए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने, या एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, हम जानते हैं दबाव है इनके ऊपर। यही सब की बात हुई, बोले वरिष्ठ अधिकारी से बात करेंगे। हम बैठे करें आप एफआईआर दर्ज। क्या जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक हम संघर्ष करने को तैयार है, ये लोग आश्वस्त कर देंगे एफआईआर करेंगे तो हम निश्चित रूप से उठ जाएंगे। एफआईआर कराने आए तो एफआईआर कराएंगे। आज मेरी भावनाएं, मैं देवास का नागरिक हूँ, मेरा जन्म यही हुआ है। कांग्रेस जन जितने बैठे सब देवास के हैं, हमारी भावना आहत हुई है तो क्या हम कहीं पाकिस्तान के थाने पे जाके रिपोर्ट कराएंगे? क्या देवास के थाने पे रिपोर्ट कराएंगे हम? वरिष्ठ कांग्रेसी जो है भगवान सिंह चावड़ा जी ने अभी कहा है कि हम तो कांग्रेसी शांति प्रिय, वरना आगजनी कर देते हमारे नेता भी कर देते। करना हमें पार्टी का आदेश नहीं है, वरना वो भी करके दिखा देंगे। परंतु गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं वो शख्स जिसने पूरे देश में 4,000 से ऊपर की पदयात्रा की, किलोमीटर की, देश में मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाई। ऐसे गंदे वातावरण में जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई चलाने का काम सरकारें कर रही है, ऐसे में एक राहुल गांधी जननायक ने बीच बेट बाजार में निकलकर इस सड़कों पर हिंदुस्तान की सड़कें नाम दी और यह संदेश दिया, हम किसी भी धर्म के हों भाईचारे में विश्वास रखते हैं, उस व्यक्ति को आतंकवादी कहा जा रहा है? ये कहां तक की बात? बिट्टू जी का कहना है कि हम जो है संसद में भी मैं उनको आतंकवादी कहूंगा, आप क्या करेंगे? कहेंगे तो हमें भी जवाब देना आता है। कांग्रेस का जवाब ईंट
से पत्थर का जवाब हमें देना आता है, हमें क्या सिखाएंगे पत्थर का जवाब देना, हमें अच्छे से आता है, हम उनसे सड़कों पे भी निपटेंगे, वो कहेंगे तो पंजाब में भी आके हम सड़क पे निपटना जानते हैं, उन्हें बता देंगे हम। बिट्टू के बाद में उत्तर प्रदेश के जो मंत्री, बिट्टू है कौन, ये एक मिनट, बिट्टू कौन है, ये क्या समझता, अरे कल का लौंडा अगर बन जाए मंत्री तो क्या गाली देना सीख जाएगा, ऐसे नरेश सांसद घूमते फिर रहे देश में, कई आए और कई चले गए, हमको सब निपटना आता है। प्रदेश के मंत्री ने भी यही कहा है कि रघुराज सिंह, मैं इसलिए कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने कहा जवान काट कर दिया जाएगा, मैं कहता हूँ जो व्यक्ति उसकी जवान काट कर आएगा मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा उसको। यहाँ पर हम यहाँ बैठे धरने पे पुलिस कोतवाली के चीफ साहब के सामने, उन्होंने कहा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमारी FIR यहाँ लिखी जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21।